हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सिप्रा। और आज है पारन का दिन, जो कि लास्ट डे था छठ पूजा का। तो घाट आप देखिए, मैं दिखाती हूँ, एकदम से खाली हो पड़ा हुआ है। एंड कुछ कुछ जो आदमी है रुके हुए, एंड कुछ कुछ सब कुछ जा रहा था चले गए, एंड कुछ कुछ डाला अभी जा रहे हैं। तो उधर देख सकते हैं भीड़ लगा हुआ, बट इधर एकदम से खाली हो चुका है, क्योंकि उधर गेट है, मेन गेट, इस वजह से थोड़ा सा भीड़ लगा हुआ है। और हम लोग भी चल पड़े, और हाँ, हम लोग रुक रुक के जा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि सबको देख रहे हैं। हाँ, सब छोटा बच्चा सब भी बहुत सारा हो जाता है ना घर में, सबको इकट्ठा होता है, तो बस सबको बच्चा देखना है, जो सब बच्चा जा रहा है या फिर नहीं। तो अभी हम लोग मंदिर आ चुके हैं, और हाँ, जो जो पूजा करना है सबको इस मंदिर में पानी डालते हैं, तो मंदिर में आए हैं भगवान जी को पानी चढ़ाने के लिए। तो चलिए मैं आपको अंदर से दर्शन कराती हूँ, और कौन कौन जाएंगे सब से ही वाला डिसाइड हो रहा है, कौन कौन अंदर जाएंगे, कौन कौन रुकेंगे, तो सब डिसाइड हो चुका है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी मंदिर के अंदर, और आप लोगों को अंदर दर्शन कराते हैं भगवान जी का। देख सकते हैं, जो कि अभी सबको पानी डालेंगे, जो जो उपास किए पानी डालेंगे, और जो नहाए वो भी डाल कर दिखा सकते हैं। तो बस इधर भगवान है, सब मैं पीठ दिखा कर नहीं दिखा रही, मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ, आप लोगों को तो अच्छे से दिखेगा। और तो हम लोग मंदिर में एंट्री कर चुके हैं, और हाँ, जो मेरा राइट साइड में जो मंदिर में जो मूर्ति है, वो मूर्ति का दर्शन कराती है आप लोगों को सबसे पहले, जो कि है बजरंग बली। और हाँ, जो उपास है ना, वो लोग पूजा कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं जाम नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम हो जाता तो सबको पूजा कर रहे हैं जल्दी जल्दी हट रहे हैं, क्योंकि जो उपास करते हैं इस वजह से उन लोगों को डिस्टर्ब हो जाता पूजा करने में, इस वजह से। तो वहाँ पे था काली माँ का मूर्ति, जो कि आप लोगों को मैं बताई नहीं, बातें करने लगी थी। और हाँ, यहाँ पे कौन सा मूर्ति मैं आके खाली करी, तो मैंने सोचा अच्छा दिखा दूँ आप लोगों को इस तरीके से। और हाँ, दिख चुका है, जो कि है राधा कृष्ण भगवान का मूर्ति। और पूजा हो रहा है, हम लोग सब कुछ खड़ा हुए हैं, और आप लोग को दिखा दिए उसके बाद खड़ा हुआ देख लो, और मैं पीछे दिखाती हूँ, जो जो पूजा किए सब कोई पानी डाल रहे देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है, तो थोड़ा सा लेट करके हम लोग आए, क्योंकि घाट में थोड़ा सा टाइम लग चुका था, और सब कोई चल पड़े घर के लिए। और हाँ, मैं सबको भी दिखाऊँगी कौन कौन है मंदिर में, और जो कि मैं आगे आप लोगों को दिखाऊँगी। बस पूजा हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं घर। और हाँ, मेरे बेटी का दूध का बोतल का कैप, जो कि मेरे हाथ में है, उसको पानी भर के लाए थे, उसको पानी दिए उसमें। और अब चलते हैं घर, पूजा वगैरह हो चुका है, पूजा खत्म। और हाँ, गाना का वजह से मैंने साउंड कम कर दिए हैं, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं मम्मी के बुला रही थी, जब मम्मी आपको भी दिखाते हैं, तो बस मम्मी है और सबको देखी यहाँ पे से, और बड़ी मम्मी लोग आगे चल पड़ा है। हे गाइस, घर से हम लोग आ चुके हैं घर, और आने के बाद थोड़ा सा सो भी गए थे, मेरी बेटी सो रही थी तो मैंने भी सो गई थोड़ा, और अभी यहाँ पे खेल रही दोनों तीनों मिल के। और अभी मम्मी बना रही खाना, जिसमें दाल चावल बन चुका है, और अभी कट कर रही है फूल गोभी का सब्जी, दाल भात फूल गोभी सब्जी, और हाँ, झींगा मछली जो कि यहाँ रखा हुआ, मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, मीडियम साइज का जो झींगा मछली है वो है, और घर में मछली आज बनना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से भैया तो मछली खाते नहीं है, सिर्फ झींगा मछली खाते, इस वजह से झींगा मछली मंगवाए हैं। अब मम्मी बनाएगी अभी मछली एंड दाल भात बना ली, मैं सिर्फ फूलगोभी की सब्जी बनाऊंगी, और हाँ, मैं बेटी को खिलाऊंगी, जो कि यहाँ पानी गर्म होने के लिए दिए गैस पे, और हाँ, ज़्यादा पानी इसलिए दिए क्योंकि पिलाना भी उसको, इस वजह से वही पानी दिए है, जिसकी दिन भर पीती है तो गर्म करके रख देते हैं, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा पानी गर्म किया। सुबह से कुछ नहीं खाई है, तो खिलाएंगे, जो कि 10:30 बज रहा है, जो कि सो रही थी इस वजह से इतना लेट हो गया है, मैं भी सो गई थी इस वजह से भी। तो बस चलते हैं, अब उसको खिला रहे, तो उसके बाद मिलती है आप सभी से। और सब काम धाम करने के बाद शाम के टाइम में फिर से आज बैठ चुके हैं खास्ता बनाने के लिए, क्योंकि एक दिन में खास्ता कंप्लीट नहीं हुआ था, जो आधा गमला में रखा हुआ था ना, वो फिर आज बनाने बैठ चुके हैं, क्योंकि उस दिन काफ़ी रात हो चुका था, इस वजह से सबको बोल छोड़ दो, नेक्स्ट डे बना लेंगे। तो सबको मिल के बस खास्ता बनाएंगे अभी, हम और फुआ सिर्फ बैठे हुए हैं, बाकी बाद में आकर बनाएंगे। और अभी बस इतना ही बचा हुआ, ज़्यादा बना लिए उधर, और काफ़ी ज़्यादा बनता ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता खस्ता बनाने में, क्योंकि उसको मीडियम आँच पे पकाना पड़ता, वरना कच्चा कच्चा रह जाएगा इस वजह से। तो बस देखिए उधर कितना सारा पापा तल के भी रख चुके हैं, इधर में हम और फुआ मिल के लोई बना रहे हैं, उधर पात भी रहे हैं।